एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 2 द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 13 द नंबर फॉर्मड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, मान लो ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट और ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट। तो 10 डिजिट में मान लो हमने x कंसिडर किया तो 1 डिजिट में कितना आएगा, 13 माइनस x, क्योंकि ये जो टू डिजिट इक्वल टू कितना दिया है, 13 दिया है। टू डिजिट का सम कितना दिया है, सम 13 दिया है। मान लो ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट इक्वल टू 13 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया है। तो ये बन गया है 10 डिजिट और 1 डिजिट, लेकिन इसका नंबर क्या होगा। नंबर अगर हम लिखना चाहे तो x प्लस 13 माइनस x, इसके साथ ये 1 डिजिट में है 1 आएगा और ये 10 डिजिट में है 10 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10x प्लस 13 माइनस x, फाइनली क्या आएगा 9x प्लस 13। ये होगा टू डिजिट नंबर, वो टू डिजिट नंबर जिसका सम 13 है। तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अगेन क्वेश्चन में दिया है द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 45 मोर। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होगा, ये इधर आएगा, मतलब 13 माइनस एक्स इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो एक्स इधर आएगा। तो जो न्यू नंबर बनेगा, मतलब न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर इक्वल टू ये 10 प्लस में है तो 13 माइनस एक्स, इसके साथ 10 हमें मल्टीप्लाई कर देना है और ये 1 डिजिट में है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक्स होगा। तो इसमें वैल्यू आएगा 130। जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 10x होगा प्लस x होगा। तो फाइनली इसका जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 130 माइनस 9x होगा। ये हो गया न्यू नंबर, इसको हम रिवर्स नंबर भी कह सकते हैं और इसको हम इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर मिला वो नंबर भी समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, ये जो ओरिजिनल नंबर है मतलब 9x प्लस 13 और ये जो न्यू नंबर है मतलब इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर हमें मिला 130 माइनस 9x, ये जो इंटरचेंजिंग करने के बाद जो नंबर हमें मिला ये 45 ज़्यादा है, ये 45 ज़्यादा है। तो ये जो 45 ज़्यादा है ये जब हम इस तरफ ऐड कर देंगे, मतलब प्लस 45 जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू मिलेगा, वही x का वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट 10 डिजिट इक्वल टू x होगा, तो 1 डिजिट इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 13 माइनस x। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या होगा, नंबर जब भी हमें लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, जो 10 में जो डिजिट हमने कंसिडर किया उसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिजिट में जो भी नंबर है उसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये बनेगा ओरिजिनल नंबर। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस इधर आएगा 1, जब 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 13 होगा माइनस x होगा। तो फाइनली वैल्यू आएगा 10x से 1x चला जाएगा तो कितना रहेगा, 9x प्लस 13। ये बन गया है ओरिजिनल नंबर। नेक्स्ट अभी हमें इंटरचेंजिंग नंबर लिखना है। तो अगेन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वी गेट 10 और ये 1। पहले हमने 10 में कंसिडर किया x, टू 1 में डिजिट होगा 13 माइनस एक्स। जब इंटरचेंजिंग करेंगे ये इधर आएगा, 13 माइनस एक्स होगा और ये इधर आएगा x। तो इसके साथ ये 10 के प्लेस में है, इसके साथ हमें 10 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 10 13 माइनस एक्स प्लस इधर 1 के साथ, मतलब x के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x ही बनेगा। तो हम लिखेंगे x। तो इसको सॉल्व करेंगे 130 माइनस एक्स प्लस ये 10 जब 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा 130 होगा, 10 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 10x होगा,
मतलब 130 माइनस 10x प्लस x होगा। तो फाइनली 130 माइनस 10x प्लस x इक्वल टू माइनस 9x होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, ये जो ओरिजिनल नंबर है 9x प्लस 13 और ये जो नेक्स्ट हमें मिला, ये जो इंटरचेंजिंग नंबर 130 माइनस 9x, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब इससे हम 45 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 45 ज़्यादा हो गया है इंटरचेंजिंग करने के बाद, ये 45 ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए हम इधर 45 दे देंगे। जब इसको इधर ले जाएंगे तो 45 माइनस हो जाएगा, फाइनली वैल्यू इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर 9x है, इस 9x को इधर लाएंगे तो प्लस 9x होगा इक्वल टू ये जो 13 प्लस 45 करेंगे 58 होगा। इस इन दोनों को ऐड करके हम इधर ले आएंगे, मतलब 130 माइनस 58 होगा, तो ये माइनस में आएगा, तो इधर आएगा 18x। अभी हमें 130 से 58 को सब्सट्रैक्ट करना है, 1 इधर कैरी करेंगे तो 10 होगा, 10 से 8 सब सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा, इधर रहेगा 12, 12 से जब 5 सब्सट्रैक्ट होगा तो 7, तो वैल्यू होगा 72। अभी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू 72 बाई 18, 18 से 72 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 4। तो अभी हम ये जो ओरिजिनल नंबर हमको क्वेश्चन में पूछा था कितना है, उसको फाइंड करेंगे। द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, इधर ओरिजिनल नंबर हमें मिला 9x प्लस 13, तो 9 के साथ हम x का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 13 करेंगे, तो 9 इंटू 4 इक्वल टू 36, 36 प्लस 13 करेंगे तो वैल्यू आएगा 49, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 49 ही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 11, तो टू डिजिट नंबर मतलब 10 एंड 1 होगा, इसका सम कितना है 11 है। तो मान लो हमने ये जो 1 डिजिट है इसको अगर हम x कंसिडर करेंगे तो 10 डिजिट क्या होगा 11 माइनस x आएगा, तो उसका नंबर जब लिखना पड़ेगा तो नंबर क्या आएगा, नंबर इक्वल टू 10 डिजिट में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 11 माइनस x प्लस इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 110 माइनस 10x होगा प्लस x होगा, तो 110 माइनस 9x होगा, तो ये बनेगा नंबर और ये है 10 डिजिट और ये है 1 डिजिट। तो क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 11, तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे ले द वन डिजिट, द वन डिजिट इक्वल टू x एंड द 10 डिजिट इक्वल टू 11 माइनस x, तो देयरफोर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर ये इज है, इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर जब फाइंड करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ ये जो 1 डिजिट है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स, और ये जो 10 डिजिट है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस एक्स, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अभी सॉल्व करना है, 110 माइनस 10x प्लस x होगा, तो फाइनली वैल्यू आएगा 110 माइनस 9x, ये होगा ओरिजिनल नंबर। एंड क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 4 टू दिस नंबर, मतलब इस नंबर में जब हम 4 ऐड करेंगे 41 लेस देन द रिवर्स नंबर, तो रिवर्स जो नंबर मिलेगा उसमें से 41 लेस होगा, तो क्या करेंगे, अभी रिवर्स नंबर मिलेगा, देयरफॉर द रिवर्स नंबर इक्वल टू, रिवर्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया 1 डिजिट और ये हो गया 10 डिजिट, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा, x प्लस 11 माइनस x, मतलब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइनली वैल्यू आएगा 10x प्लस 11 माइनस x, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 10x पॉजिटिव है, इसमें 1x नेगेटिव है, तो 9x प्लस 11, ये हो गया रिवर्स नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, ये जो ओरिजिनल नंबर है 110 माइनस 9x,
इसके साथ जब हम 4 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू, ये जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर से 41 लेस होगा। तो लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9x + 11, इसमें से हम -41 कर देंगे। तो अभी इसको सॉल्व करने से ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें 9x है तो ये जो 9x है इस तरफ लाएंगे तो -9x होगा इक्वल टू, इसमें 110 + 4 है तो 114 होगा, इस तरफ लाएंगे तो -114 होगा। तो इसमें +11 है, -41 है, तो क्या रहेगा, -30 रहेगा। तो इसमें लिखेंगे -30, तो इसमें भी होगा -18x और इधर रहेगा -144 होगा। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों को हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे 144 डिवाइडेड बाय 18, 18 से 144 को हम कटेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 8। अभी हम x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर कितना है, 110 माइनस 9x। तो हम इधर करेंगे 110 माइनस 9 इंटू इधर 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 110 माइनस 9 इज 72। तो 110 से जब 72 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, इसमें 1 कैरी करेंगे तो 10 होगा, 8 आएगा और इसमें 10 रहेगा तो वैल्यू होगा 3, मतलब 38। तो 38 होगा इसका आंसर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 4, द डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द न्यूमरेटर। इसमें हम न्यूमरेटर अगर x कंसिडर करेंगे तो डेनोमिनेटर कितना होगा, x + 4 होगा। तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, तो हम लिखेंगे x + 4। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या दिया है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2, इसमें x + 2 जब करेंगे तो क्या होगा, एंड द डेनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 5, ये डेनोमिनेटर है तो x + 4 + 5 करेंगे, तो इसमें 2 इंक्रीज करेंगे, इसमें 5 जब इंक्रीज करेंगे द फ्रैक्शन ऑब्टेन इज 5/12, तो 5/12 मिलेगा। फाइंड द फ्रैक्शन, तो ये जो हमने फ्रैक्शन लिखा था, मतलब x + 4 इसका वैल्यू कितना है, फ्रैक्शन ये हो गया फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू जब भी फाइंड हो पाएगा तो इसमें हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है। लेट द न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड द डेनोमिनेटर 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 इक्वल टू, ये न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है, डेनोमिनेटर 4 ज़्यादा है, तो x + 4 होगा। तो अभी हमें फ्रैक्शन लिखना है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, ये जो फ्रैक्शन है x + 4, ये जो फ्रैक्शन है अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे एंड डेनोमिनेटर में 5 ऐड करेंगे तो इसका इक्वल एक फ्रैक्शन मिलेगा, वो फ्रैक्शन होगा 5/12। तो इसको सॉल्व करने से ही आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले एक बार करेंगे x + 2, तो नेक्स्ट आएगा x + 9 इक्वल टू 5/12। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12x होगा प्लस 2 × 12 इक्वल टू 24 होगा, इक्वल टू 5 × x इक्वल टू 5x होगा प्लस 5 × 9 इक्वल टू 45 होगा। तो 12x माइनस 5x इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस होगा प्लस 45 माइनस इसको इस तरफ लाएंगे तो -24 होगा। तो इसमें रहेगा 7x इक्वल टू, इसमें वैल्यू रहेगा 21। तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 21/7, 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 3। क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए दिया था, देयरफॉर द फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या मिला है हमें x
एक्स प्लस फोर, ये हो गया फ्रैक्शन। तो इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू है 3, नीचे में भी 3 ऐसे पुट करेंगे, तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 3/7 आएगा, ये होगा फ्रैक्शन।